पाल का जिक्र करते हैं। चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। अपनी मांग को लेकर बीजेपी कार्यालय का घेराव भी किया। अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर। चयनित शिक्षकों ने बीजेपी कार्यालय को घेर लिया है। बीजेपी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। बैरिकेड लगाकर चयनित शिक्षकों को रोक दिया गया। उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक में पदों में वृद्धि की मांग इनके द्वारा की जा रही है और बीजेपी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में ये लोग पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। चयनित शिक्षक हैं ये जिनका प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, इन्हें रोक रही है, बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। अलग अलग तरह की इनकी मांगे हैं और उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी इसी तरह से उनका ये कहना है कि प्रदर्शन जारी रहेगा। तो शिक्षक वर्ग एक में पदों के वृद्धि की मांग इनके द्वारा की जा रही है और इसी को लेकर के प्रदर्शन इनका हो रहा है। पुलिस बल तैनात है मौके पर, बैरिकेडिंग कर दी गई है और उन्हें रोका भी जा रहा है। दरअसल बीजेपी कार्यालय के बाहर ये भारी संख्या में, आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह भारी संख्या में ये लोग मौजूद हैं। चयनित शिक्षक ये हैं जो बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे हैं। अलग अलग जिलों के अभ्यर्थी पहुँच चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक ये इसी तरह जो है प्रदर्शन करते रहेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक में पदों की वृद्धि की मांग इनके द्वारा की जा रही है। तो नाम तय है, ऐलान होना बाकी है। एमपी के 12 कांग्रेस उम्मीदवारों पर मुहर लग चुकी है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है। न्यूज 18 के पास संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट भी है। आज लिस्ट जारी हो सकती है। कल सीईसी की बैठक में सहमति बनी और अब कहा जा रहा है कि अब जल्द ही जो है नाम सामने आ जाएंगे। मध्य प्रदेश के लिए जो नाम कांग्रेस की तरफ से तय किए गए हैं, जो उम्मीदवार मैदान में कांग्रेस को उतारने हैं मध्य प्रदेश में, उनके नाम लगभग तय हो चुके हैं। मुहर लग चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कब इसका ऐलान होगा। कल सीईसी की बैठक हुई, इससे पहले भी बैठक हुई और तब भी कहा जा रहा था कि अब जल्द ऐलान होगा और कल फिर जब बैठक हुई तो अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक पहली सूची कांग्रेस जारी कर सकती है। संभावित नामों की लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। संभावित नामों की आप राइट एंड लेफ्ट में देख सकते हैं। जो संभावित नाम आपको शो हो रहे हैं ये जो है ये वो नाम है जो मैदान में उतारे जा सकते हैं कांग्रेस के द्वारा। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। संभावित उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं उनके नामों की लिस्ट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कांतिलाल भूरिया है, वहीं सिद्धार्थ कुशवाहा है, प्रियव्रत सिंह है, पंकज उपाध्याय है, फूल सिंह बरिया है, नकुल नाथ हैं। तो ये वो संभावित नाम हैं जिनकी सूची हम आपको दिखा रहे हैं और तैयार अब कांग्रेस की तरफ से भी सूची कर ली गई है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम तक ये हो सकता है कि पहली सूची 12 से 15 नामों की सूची कांग्रेस जारी कर दे या उससे ज्यादा नाम भी इसमें हो सकते हैं। तो बस इंतजार है कि आखिर कांग्रेस कब ये सूची जारी करेगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। विधानसभा में जिस तरह से करारी हार कांग्रेस ने देखी उसके बाद बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए हो रही है ये चुनाव करना कि आखिर मैदान में किसको उतारना है। ज्यादा जानकारी के लिए वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, संभावित नामों का तो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, पर अब क्या करें और क्या लगता है कितना इंतजार और करना होगा कांग्रेस की लिस्ट के लिए? क्या आज ही लिस्ट आ सकती है ऐसे कयास है? निश्चित तौर पर देखिए, कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी सीईसी की और उसके पहले भी कई राउंड की बैठकें जो हैं भोपाल से लेकर दिल्ली तक हो चुकी हैं और कांग्रेस ने संभावित नामों को लेकर एक लंबा डिस्कशन किया है। पहले दो दो तीन तीन नाम के पैनल बने और फिर अब एक एक नाम को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। करीब एक दर्जन सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं, जिसमें अगर बड़े नामों की बात करें तो झाबुआ रतलाम से कांतिलाल भूरिया का जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है उनका नाम सामने आया है। कमलेश्वर पटेल जो पूर्व मंत्री है उनका सीधी से नाम निकलकर सामने आ रहा है। सिद्धार्थ कुशवाहा
अलावा का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा कई और नेता हैं जिनके नाम जो हैं इस पूरी संभावित नामों की सूची है जो लगातार हम दिखा भी रहे हैं उसमें सामने आ रहे हैं। जल्द ही कांग्रेस इन नामों की घोषणा कर सकती है। इस पूरे डिले की वजह यह भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस से बीजेपी की और नेताओं का दल बदल जारी है उसके चलते कांग्रेस तमाम जो समीकरण है उनको देख रही है और थोड़ा सा इंतजार कर रही है सही समय का कि कब वे सूची जारी की जाए, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहते कि सूची जारी करने के बाद किसी तरीके की किरकिरी जैसी स्थिति बने, किसी प्रत्याशी का नाम घोषित हो जाए, उससे जुड़े हुए लोग या उसके क्षेत्र से आने वाले लोग फिर कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में चले जाए, तो ऐसी कोई परिस्थिति ना बने इसको लेकर कांग्रेस बेहद सतर्क है। और दूसरी ओर कांग्रेस भली बात इस बात को भी जानती है कि पीएम मोदी का चेहरा सामने है, बीजेपी का मजबूत संगठन सामने है और उससे अगर लड़ना है तो बेहतर रूप से क्षेत्रीय सियासी तमाम जो समीकरण होते हैं उनको साधना जरूरी होगा और इसलिए कांग्रेस लगातार मंथन भी कर रही है और यही वजह है कि इतना समय भी पार्टी को कहीं ना कहीं नामों की घोषणा करने में लग रहा है, क्योंकि दूसरी ओर तो बीजेपी 24 सीटों पर अपने नामों की घोषणा लौटूंगी आपके पास। अशरफ काजमी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अशरफ, कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, मंथन लगातार चल रहा है, क्या माने कि आज लिस्ट आ सकती है अगर मध्य प्रदेश की आती है तो उसके साथ और कौन कौन से राज्यों की और कितनी लिस्ट, कितने नाम, क्या कुछ हो सकता है, विस्तार से बताइए। ऋतु, देखिए इस जो कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो आज उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर देगी, खास करके मध्य प्रदेश को लेकर। इससे पहले एक सूची जारी कर चुकी है कांग्रेस, अब मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इनको अपना मंथन ही करना है, क्योंकि बीजेपी ने इनके लिए पूरी पिच छोड़ दी है। बीजेपी ने अपने 24 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, तो कांग्रेस के सामने अब ये समस्या है कि वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनका जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और जो भाजपा का उम्मीदवार है वो कैसा है, कितना मजबूत है, उसकी क्या खामियां हैं, उसकी क्या कमजोरियां हैं, वो देखकर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और इस बैठक में करीब करीब 1 से 1.5 दर्जन के आसपास उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बनी है, तो उम्मीद की जा रही है कि उतने ही नामों की सूची आज जारी हो सकती है। तो जैसी जो सूची जारी होगी तो जो ये इंतजार है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन समस्या कांग्रेस के सामने ये क्षेत्रीय जातीय समीकरण को बिठाने की है, खासकर ये भी है क्योंकि अभी तक चुनाव भी की घोषणा भी नहीं हुई है, तो इससे पहले इतने समय पहले उम्मीदवारों की घोषणा करना से जो एक पार्टी के अंदर विरोध होता है उसको दबाने के लिए भी बीजेपी कांग्रेस जो है एक अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है कि ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात की। गोविंद सिंह से ये मुलाकात हुई है, नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर ये मुलाकात हुई, बंद कमरे में मुलाकात हुई, कई बातों पर चर्चा भी हुई दोनों नेताओं के बीच में। गोविंद सिंह का मुरैना से चुनाव लड़ने से भी इनकार इसमें सामने आया, जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की और पूछा तो उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया। अब बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा गोविंद सिंह की मुलाकात, इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं और चुनाव चूंकि नजदीक है कयास होंगे भी, स्वाभाविक सी बात है, तो कई तरह के सवाल भी। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल भी किया तो उन्होंने ये कहा कि शायद जो मान सम्मान जो नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी में वो आखिर क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि मान सम्मान जो मिलना चाहिए था शायद वो नहीं मिल पाया, महत्वाकांक्षाएं ज्यादा है उन नेताओं की, इस वजह से वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो वहीं गोविंद सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, मुरैना से चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार किया, कहा कि मुरैना से चुनाव लड़ने का मेरा विचार अब खत्म हो चुका है, मेरा विचार ये त्याग दिया है, मन नहीं मिला इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं, नेता बीजेपी में शामिल होने से भी इनकार उन्होंने किया है। तो ये सवाल उनसे किया गया था, क्या आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा तो होता तो मैं खुद बता देता, पर ऐसा कुछ है ही नहीं। सुनिए आप भी। हम तो पहले ओपन करते हैं, आप लोगों को ओपन कर देंगे, कोई बात होगी, वैसे कोई बात नहीं है, मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा। मौसम का असर नहीं पड़ रहा कोई असर नहीं, बहुत सारे बड़े नेता भी कांग्रेस में कांग्रेस छोड़ के आ गए हैं, अब जा रहे हैं, ऐसे समय में आप मिलने आए हो तो इसलिए नहीं, हम कब नहीं मिलते थे, हम चुनाव के बाद ही मिल चुके कई बार, बट मिलना जुलने से क्या राजनीति बदलती है, कई लोग तो इसलिए चले गए कि उनकी जो मान सम्मान चाहते थे उतना उनको नहीं दे पाई पार्टी, उनकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा थी इसलिए जा रहे हैं। नहीं, मैंने कोई चुनाव मुरैना से विचार था, अब हमारा विचार त्याग दिया।
ग्वालियर से बड़ी खबर का जिक्र। मानहानि केस में दिग्विजय सिंह को राहत मिल गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा है कि केस चलने योग्य नहीं है। बता दें आपको, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था दिग्विजय पर, और दिग्विजय ने जो है बीजेपी और संघ और बजरंग दल पर बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस पर एमपी एमएलए कोर्ट का अब बयान आया है और उनको राहत दे दी गई है, और एमपी एमएलए कोर्ट ने यह भी कहा कि केस चलाने योग्य नहीं है। तो बड़ी राहत दिग्विजय सिंह को। और अब आगे बात एमपी में एनआईए के छापे की। दरअसल खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ मामले में एनआईए ने छापा मारा। भोपाल और बड़वानी में एनआईए ने सर्चिंग की है। भोपाल के खानू गांव इलाके से एक व्यक्ति को हिरासत में लेने की खबर भी मिल रही है। बड़वानी के राजपुर थाना क्षेत्र के खड़की गांव में एक संदिग्ध से एनआईए की टीम ने पूछताछ की। दीपक पाटिल नाम का यह युवक है जिससे पूछताछ हुई है। दीपक का मोबाइल 2018 में चोरी भी हुआ था। एनआईए की हथियारों को लेकर भी जो है एनआईए को हथियारों के मामले में भी इनपुट मिला था। बड़वानी के उमरटी में भी सर्चिंग की खबर मिल रही है। उमरटी अवैध हथियार का गढ़ भी माना जाता है। गैंगस्टर और आतंकियों के बीच नेक्सस की पड़ताल फिलहाल हो रही है। और अब एनआईए की टीम, दो टीमें खरगोन पहुंच चुकी हैं। अवैध हथियार मामले में एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली है। सिगनूर भगवानपुरा क्षेत्र में एनआईए की छापेमारी हो रही है। खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ मामले में छापेमारी हुई। बता दें एसपी मनोहर सिंह बारिया ने इसकी पुष्टि भी की है। तो अलग अलग जगह पे एनआईए की दबिश लगातार, एनआईए सक्रिय है और अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के दस्तावेज पूछताछ लगातार ला रही है। आई उनके पास कोई लिंक होगी जिसके आधार पे उनकी पार्टी से बातचीत हो रही है, जो भी उनकी तकनीकी उनके पास जानकारी होगी उसके आधार पे पुलिस सहायता मांगी गई है उनके द्वारा। तो यहाँ से खरगोन पुलिस उनके साथ में दी गई है। थाना गोगांव और भगवानपुरा थाना के बल उनको सहयोग के लिए दिए गए थे। एनआईए की टीम के खरगोन जिले में पहुंचने से हड़कंप मच गया है। अवैध हथियारों को लेकर ये जो है लगातार सर्चिंग की जा रही है। एडिशनल एसपी मनोहर सिंह बारिया ने पुष्टि की है कि खरगोन जिले के दो थाना गोगावां का सिंगनूर गांव और भगवानपुरा क्षेत्र के आसपास, एक सतीपुरा फालिया है और आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर अवैध हथियारों को लेकर जो सिकलीकर समाज के लोग हैं उनसे पूछताछ की रही। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो खालिस्तान समर्थक हैं वहाँ पर उसको लेकर यहाँ पर अवैध हथियार की सप्लाई की बात सामने आ रही है। हालाँकि अभी जो है पुलिस और जो टीम पहुँची है, दो टीम पहुंची है, लगातार सर्चिंग कर रही है, लेकिन इनको कोई पुख्ता अभी सबूत नहीं मिले। सर्चिंग जारी है। एडिशनल एसपी जो प्रभारी एसपी है मनोहर सिंह बारिया, उनने टीम आने की पुष्टि की है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। चलिए आगे।